ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मिरर जा रहे हैं अपने आप, पूरे मिरर नीचे आ गए यार। आज हमारा पूरा नुकसान हो गया। मैंने सोचा था सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करूंगा, नींद खुली है 9 बजे जाके। बस वीडियो अपलोड करी है, 10:40 की लगा दी थी, स्केड्यूल कर दी थी बस। और मुझे लग रहा है कि भाई पूरा दिन की स्टार्टिंग मेरी बेकार होगी, लेकिन हम बेकार नहीं जाने देंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे अब थोड़ी देर के बाद। अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ। ब्रेकफास्ट मैं कर रहा हूँ विदाउट फैट और लो कार्ब्स वाला, जो काले छोले होते हैं उसको उबाल के रखा है, उसके अंदर ऑनियन टमाटो नींबू डालकर थोड़े से ये खा रहा हूँ। देखते हैं कितने दिन ऐसा रूटीन बना रहेगा, बोल तो बहुत बार हूँ लेकिन इस बार मैं करके रहूँगा। हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश कथुरिया, योर व्लॉगर, एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो 2 दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं करा, एक्चुअली थोड़ा सा मूड ऑफ चल रहा था बस किसी बात को लेकर, आने वाले टाइम में बिल्कुल डिस्कस करूँगा। आज थोड़ा मौसम अच्छा है, हवा भी चल रही है, और फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि अब एक दिन और क्वारंटीन है हम, फिर हमारे 14 डेज कम्प्लीट हो जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ अपनी हिमालयन के ऊपर मिरर्स वगैरह विंडशील्ड वगैरह आज इंस्टॉल कर दूँ, और गाड़ी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। जिस दिन हम लाए थे उस दिन गाड़ी हमने खड़ी करी थी, और उसके बाद अभी तक देखा नहीं है उसके अंदर कैसे खड़ी है क्या है, बस सामान निकाला था और आ गए थे। तो आज बाइक को कंप्लीट करते हैं, एक तो मिरर लगाने हैं, विंडशील्ड लगानी है, बाकी टायर के जो एयर प्रेशर वगैरह वो चेक करने हैं, और फिर हम चलेंगे पेट्रोल फिल करवाने। क्योंकि घर से जब हम लाए थे ना, तो ट्रक वाले जो भैया थे उन्होंने बोला था कि पेट्रोल स्कूटी और बाइक दोनों से निकाल दो, क्योंकि जब रास्ते में हिलती है तो प्रेशर बनता है, प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आग तक लगने का भी डर होता है। तो हमने उनको खाली कर दिया था, मतलब लगभग उसमें 200-300 ml पेट्रोल छोड़ा था, जो कि हमारे यहाँ नियर पेट्रोल पम्प तक चली जाएगी। तो आज ये काम कंप्लीट करते हैं, और अगर कल हम क्वारंटीन डेज कंप्लीट होने के बाद हम परमिशन लेके फिर हम कल या मैक्सिमम परसों निकलते हैं एक छोटी सी राइड पे, और एक्सप्लोर करते हैं उत्तराखंड के वो वाले पहाड़। तो आई होप आप आने वाले व्लॉग्स को बहुत एंजॉय करोगे। तो जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार फटाफट से। आपको ये वाले दूर सामने हल्के हल्के से पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, तो इनको चलना हमने एक्सप्लोर करने के लिए। उसके लिए हमें हमारी बाइक चाहिए रेडी। तो आज ये काम, ये वाली जो वायर्स देख रहे हो ना, ये जियो फाइबर की है, जो कि यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। नेट भी हमारा सही चल रहा है, लेकिन आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है इसमें। तो अभी मैंने कंप्लेंट लिखवाई है, दो दिन से तो सही चल रहा था, बट पता नहीं क्या हुआ, चलते चलते बंद हो गया। कंप्लेंट लिखवाई है, तो कह रहे थे अभी इंजीनियर्स आएंगे और चेक कर लेंगे क्या प्रॉब्लम है। वैसे फाइबर में प्रॉब्लम आती नहीं है, आई है तो कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, जल्दी से हो जाए, मुझे अपनी वीडियो अपलोड करनी है। तो भाई मैंने अपने लास्ट व्लॉग में एक क्वेश्चन आप लोगों से करा था, मुझे अभी तक किसी ने आंसर नहीं करा कि फैमिली व्लॉग्स को एक्सप्लोरर मोड पे कंटिन्यू रखूँ या ना रखूँ, या सिर्फ आकाश कथुरिया व्लॉग्स पर करूँ। क्योंकि व्यूज़ जो है ना, वो फैमिली व्लॉग के ऊपर, मतलब लाइफस्टाइल व्लॉग के ऊपर एक्सप्लोरर मोड पे बहुत ही कम आते हैं, 1500 2000 2500 व्यूज़। भाई 77,000 सब्सक्राइबर्स हो गए और व्यूज़ आ रहे 2500, तो यार मज़ा नहीं आता वीडियो करने में। और सिर्फ बाइक की वीडियो कब तक, मतलब अगर हम जैसे क्वारंटीन थे राइड नहीं कर सकते थे, तो फैमिली व्लॉग्स तो कर सकते थे। अगर आप लोग इनके ऊपर प्यार दोगे ना, तो व्लॉग्स डेली रखूंगा, नहीं तो फिर गैप आता रहेगा यार। बाइक के मिरर निकालने के लिए अभी मैंने गाड़ी को खोला, और गाड़ी को खोलते ही देखो मुझे क्या दिखा है, ये देखो पूरा पानी भरा हुआ है यार कार में। अब ये आ कहाँ से रहा है पता नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा पानी, आगे भी पूरी गाड़ी भरी हुई है, पीछे तो भरी हुई थी, ये देखो आगे भी पूरा पानी है, पता नहीं ये पानी आ कहाँ से रहा है। भाई घर पे उस दिन लगा था मुझे, तो मुझे लगा गाड़ी वो भैया ने साफ़ करी थी तो अंदर थोड़ा सा पानी रह गया होगा, बट यहाँ तो पूरे में ही पानी आ रहा है, ये देखो पूरा पानी पानी हो रहा है यार। और सारी इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे सब कुछ ख़राब हो जाएगा। यहाँ से देखो पानी गिर रहा है ये सामने, ये पता नहीं पानी आ कहाँ से रहा है, किस साइड से आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। अब मैंने ऊपर से हन्नू को बुलाया, मैं कहा तू टॉवल लेकर आ, किसी तरीके इसको पहले निकाले, फिर देखते हैं ये आ कहाँ से रहा है, क्योंकि निकालना ज़रूरी है, अगर ये किसी इलेक्ट्रिक पार्ट में चला गया तो पूरी गाड़ी कैसी तैसी हो जाएगी। भाई देखो यार यहाँ भी, और मैंने अभी ये निकाले हैं मैट, तो देखो पीछे कितना पानी है, ये देखो। भाई मैं गाड़ी में से पानी निकाल रहा हूँ, लगभग 1 बाल्टी पानी तो निकल चुका है, और अभी सिर्फ आगे वाली सीट पे भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो पीछे वाली भी भरी हुई है, लेकिन ये साथ के साथ पता नहीं अभी अपने आप ही ना, ये जो मिरर्स हैं ये ऊपर नीचे हो रहे हैं यार अपने आप, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है मेरे को। अब नहीं हुए भाई, अब रुक गए हनु, ये क्या हो रहा है इसको, ये देखो ये देखो ये गए नीचे। भाई इधर कोई नहीं बैठा हुआ जो कर रहा हो ना, इधर कोई है ना पीछे कोई है ना इधर कोई है, क्या हो रहा है ये, अबे टार्जन नहीं बन गई, मजाक नहीं, सही में क्या पंगा हो गया ये। भाई मैं एक बार ना, या तो हनु मिरर ऊपर करूँ इधर से चाबी लगा के, हैं भाई चाबी मेरे पास है, समझ नहीं आ रहा मिरर कैसे नीचे जा रहे हैं।
क्योंकि चारों नीचे गए हैं भाई। देखो इधर का भी नीचे आया है पूरा, पीछे वाले भी नीचे आए थे। अब मैंने चारों मिरर ऊपर कर दिया, अब देखते हैं भाई मिरर नीचे तो नहीं आ रहे भाई। अब तो नहीं आ रहे अपने आप, दो मिनट और देख लेता हूँ। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो मिरर जा रहे हैं भाई, अपने आप पूरे मिरर नीचे आ गए यार। अबे भूत तो नहीं आ गया हमारी कार में यार, ये क्या सीन हो रहा है ना ये क्या सीन है भाई, गाड़ी में क्या आ गया? मैं तो डर लग रहा है पानी निकालते हुए भी। आप हनु मुझे डर लग रहा है पानी निकालते हुए, भैया कौन सा भूत आके बैठ गया है गाड़ी में। मतलब इतना पानी तो देखो निकल गया, अभी तो आगे वाली सीट ही मतलब खाली नहीं हुई है और पीछे वाली तो अभी पूरी भरी हुई है यार। हे भगवान थक गए हम तो, और ये पता नहीं क्या हो रहा है जो शीशे खुल रहे हैं अपने आप भाई। और मेरे बस की नहीं हो रही, चार बाल्टी पानी निकल चुका है, बाकी का कल देखेंगे। अभी मैट वगैरह बाहर रख दिया ताकि ये सूख जाए, और ऐसे कैसे ऐसे छोड़ रहे हैं। अभी यहाँ भी बहुत पानी है और पीछे भी, ये यहाँ से शायद पानी जा रहा था तो अभी ऐसे ही कर दिया बस जुगाड़ के ना जाए, बाकी देखते जाएगा तो पता चलेगा। भाई बारिश बहुत ज़्यादा आई थी जिसके कारण पानी भी अंदर भर गया, तो एक यही ना सोसाइटी के अंदर ही एक इसका छोटा सा राउंड लगा देता हूँ, कोई टायर वगैरह भी जाम ना हो जाए। पहले यहाँ एक बार टायर जाम हो गया, तरफ तीन महीने गाड़ी खड़ी रही थी। विंडशील्ड तो मैंने इस पे लगा दिया बट इसका रैप नहीं उतार रहा। ये वाले मिरर्स लगा रहा हूँ, ये भी उतारे थे हमने आते हुए दोनों साइड के, तो ये वाले अभी लगा देता हूँ इस पे। तो भाई सुबह नहीं कर पाए वर्कआउट, लेकिन अब करेंगे, हम अपने दिन को ख़राब नहीं जाने देंगे। तो हमारा एक नया ट्रेनर है, आपको बहुत जल्द मिलवाऊंगा उससे। हमने मतलब स्पेशल ट्रेनर अपने यहाँ पे परमानेंट ही मतलब अपने पास ही रख लिया कि भाई जब मन करेगा तब एक्सरसाइज कराएगा हमें। तो ये हमारे पास जो अभी पड़े हैं इक्विपमेंट जो भी हैं अभी डंबल वगैरह, इनसे हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट। और ये पड़ी है रोल, लेकिन मैं वीडियो के अंदर वर्कआउट तब दिखाऊंगा जब मैं टेरेस पे अपने रूटीन में स्टार्ट कर दूंगा। पता चले एक दो दिन मैंने वर्कआउट करा है, आप लोगों को दिखा भी दिया और उसके बाद मैं शांत बैठ गया, तो ऐसा मैं करना नहीं चाहता। तो पहले मेरा 1 वीक का रूटीन बन जाए, उसके बाद आपको वर्कआउट करते हुए भी दिखाऊंगा। मैंने उत्तराखंड वाला अपना फर्स्ट व्लॉग जो है वो अपने दोनों चैनल पे अपलोड करा है, आकाश कथुरिया व्लॉग्स पे भी आज शाम को वो अपलोड हो जाएगा, मैंने शेड्यूल कर दिया। एक्चुअली क्यों करा है, बहुत लोग बोलेंगे कि सेम कंटेंट क्यों कर रहे हो दोनों चैनल पे। एक्चुअली क्या, आकाश कथुरिया ब्लॉग्स पे अभी ग्रोथ स्टार्ट हुई है, मतलब इतनी ग्रोथ नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि उस चैनल पे भी हमारी जो फैमिली ब्लॉग्स की ग्रोथ है वो बढ़ जाए, फिर मैं सारे अलग ब्लॉग वहाँ पर स्टार्ट कर दूंगा। तो बीच बीच में बस अपने ऑडियंस को लाने के लिए चैनल पे कभी कभी सेम कंटेंट अपलोड करना पड़ जाता है, जो कि ज़रूरी है। जैसा कि अभी उत्तराखंड में आया हूँ तो वहाँ पे भी लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ मैं दिल्ली से उत्तराखंड शिफ्ट हो गया हूँ, तो ऐसे वाले ब्लॉग बस मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो ऐसे कमेंट मत करना कि सेम कंटेंट लाइफ टाइम, ऐसा सेम कंटेंट वहाँ नहीं आने वाला, बस कुछ टाइम के लिए बात है। जैसे ही वहाँ पे ग्रोथ आ जाएगी तो वहाँ पे ब्लॉग बिल्कुल अलग ही रहेंगे, और गेमिंग भी वहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। तो भाई आज के लिए ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, जो भी था आपको ब्लॉग में दिखा दिया है। इसके अंदर फैमिली ब्लॉग मैंने ज़्यादा नहीं करा क्योंकि पहले मेरे क्वेश्चन का मुझे आंसर मिल जाए कि भाई इस चैनल पर फैमिली ब्लॉग देखना चाहते हो या आकाश कथुरिया ब्लॉग्स पर ही रखूँ। जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि कर भी आप लोगों के लिए ही रहा हूँ, तो जहाँ पर आपको जो चीज़ देखने को अच्छी लगती है वहाँ पर मैं वही करूँगा। फिलहाल मेरा मन था कि इस चैनल पर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, फैमिली थोड़ी बड़ी है तो वो फैमिली व्लॉग्स को एंजॉय करे। बट अगर आप लोग मतलब बाइक से ही रिलेटेड या राइड से रिलेटेड सिर्फ देखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, फैमिली व्लॉग्स को आकाश कथुरिया व्लॉग्स पे कर लेंगे। जैसा हो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि कमेंट नहीं करते तो बात हमारी बीच में अधूरी रह जाती है और फिर मजा नहीं आता, बातचीत में बढ़ती नहीं है बातचीत इससे। तो इसलिए इस व्लॉग को मैं इतना ही रख रहा हूँ, बस आप लोगों का ओपिनियन चाहिए। और गाड़ी के अंदर क्या हुआ था वो आपने देख लिया भाई, मुझे समझ नहीं आई शीशे क्यों अप डाउन हो रहे हैं। फिलहाल मैं बार बार बाहर जाकर देख रहा हूँ कि शीशे डाउन तो नहीं हो गए, पता चले रात को हम सोए हुए शीशे डाउन हो गए और सामान निकल गया। तो भाई दूसरे चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लो, उसे सब्सक्राइब कर लो। अभी के लिए इतना ही रखेंगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपना प्यार जरूर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय। Never look back, never look back.